दोस्तों, मैंने देखा है कि हर किसी को बैटल ऑफ कद्सिया में बहुत प्रॉब्लम होती है, जो कि हजरत उमर के दौर में हुई थी। तो मैंने आज हमारा टॉपिक यही रखा है, बैटल ऑफ कद्सिया। बैटल ऑफ कद्सिया जो है मुस्लिम्स के बीच में क्रिश्चियंस के बीच में हुई थी। अब पहले क्या हुआ था कि हजरत साद ने जो है ना मुस्लिम्स को ऑर्डर किया था कि वो कद्सिया की तरफ मतलब रवाना हो जाएँ, और जो रेट्स पर था मतलब बैंक जो रिवर जो यूफ्रेट्स का बैंक है ना, वहाँ पर एक जगह थी कद्सिया, वहाँ पर रवाना हो जाएँ। हजरत साद ने ऑर्डर दिया। हज़रत साद ने एक एनवॉइस सेंड किया यजीद को, यजीद थी ठीक है, और ताकि जो यजीद जो कि पर्शियन एम्पायर था मतलब पर्शियन एम्पायर का रूलर था, उसको सेंड किया एनवॉय को, अपने एनवॉय को उनके पास भेजा, यजीद के पास भेजा, और उनको बोला कि आप इस्लाम एक्सेप्ट कर लें, मतलब इस्लाम की तरफ बुलाया, इन्वाइट किया हज़रत साद ने उनको, उनके जो एनवॉय थे उन्होंने। फिर पर्शियन आर्मी ने जो है उनकी बहुत इंसल्ट करी, जो एनवॉय भेजे थे ना हज़रत ने उनकी, और उनको जो है इतना टॉर्चर किया और अगेंस्ट टर्न हो गए। फिर वो चाहते थे कि वो मुस्लिम को टीच करें लेसन, जो क्योंकि उन्होंने जो इस्लाम को इनवाइट किया उनको, तो इसलिए तो उन्होंने जो है ना एक आर्मी गैदर करी थी, मतलब जो कि 120,000 की थी, और जिसमें 300 जो थे ना वो एलिफेंट्स भी थे, और जो आर्मी के जो कमांडर थे ना वो रुस्तम था। और मुस्लिम्स में को जब ये बात पता चली तो उन्होंने भी अपनी आर्मी प्रिपेयर करना शुरू कर दी। तो वो जो मुस्लिम की आर्मी थी वो सिर्फ 30,000 थी, जिसमें 100 जो थे ना वो लोग थे जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियन थे, और 99 जो थे ना वो लोग थे जिन्होंने बैटल ऑफ बदर में भी पार्ट लिया था ठीक है। तो जब ये मुस्लिम ने भी आर्मी कैदर कर ली थी अपनी, और जो है ना मतलब एक उन्होंने सोचा कि हम लोग भी जब फाइट करने के लिए कद्सिया की जो प्लेस रिवर यूफ्रेट्स के करीब थी वहाँ चले गए। रुस्तम ने जो ना एनकैम्प कर लिया था अपनी आर्मी के साथ अपोजिट बैंक के, जो बैंक रिवर जो बैंक था ना, रिवर का जो बैंक था उसके बिल्कुल अपोजिट उन्होंने अपना कैंप लगाया, और जो है मुस्लिम्स के सप्लाई जो थे ना वो कट कर दिए, मतलब मुस्लिम को पानी बंद कर दिया, खाना पीना सब, मतलब जैसे बाहर से अगर मार्केट वगैरह थी जो करीब, वहाँ से सब मुस्लिम की सप्लाईज बंद कर दिए मुस्लिम पे अटैक करने से पहले ठीक है ना। और जो है फिर उन्होंने जो है मतलब जिस जो जैसे जैसे हज़रत साद जैसे मतलब टाइम गुजरा, तो हज़रत साद जो थे वो बीमार हो गए थे, मतलब उनसे अब कुछ हो नहीं रहा था। तो जो थे उन्होंने अपने अपनी आर्मी को जो है ना बेड से गाइड किया, मतलब सिख बेसिक थे और वो लेटे हुए उन्होंने गाइड किया कि उनको कैसे, उनको बताया कि कैसे फ़ाइट करनी है। तो रुस्तम ने जो है ना क्रॉस रात के अंधेरे में ना देखा कि हम लोग रिवर क्रॉस करके चले जाते हैं और रात में ही हम लोग उन पर अटैक कर देते हैं मुस्लिम्स पर, रुस्तम की ये आइडियोलॉजी थी। तो उसने क्या किया कि ना रुस्तम ने जो है रिवर क्रॉस करा, लेकिन जो है क्या किया पहले एक डैम बनाया और ताकि जो है ना रिवर का फ्लो चेक कर सके कि कितना पानी है रिवर में। तो उस हिसाब से वो रिवर डैम बनाने के बाद इतने उसने टेक्निक से रिवर क्रॉस किया। रिवर क्रॉस करने के बाद जो है ना ये रात के अंधेरे में किया था। तो ये बैटल जो था जब वो लोग पहुँचे तो बैटल हुआ, क्योंकि उन्होंने उनकी टेक्निक यही थी कि वो लोग रात में अटैक करेंगे। तो जब बैटल फॉट हुआ ना तो फियर्स बैटल था 3 दिनों के लिए, और रात 4 रातों में लड़ाई हुई ठीक है। और जो है पर्शियन हार गए थे, क्योंकि उनकी चूँकि जो है ना उनकी जो फेथ थी वो स्ट्रांग नहीं थी, और मुस्लिम जो थे वो बहुत स्ट्रांग थे, पावरफुल थे, और जो है उन्होंने मुस्लिम्स ने जो है उनके लार्ज नंबर ऑफ आर्मी को भी किल कर दिया था पर्शियंस की, और रुस्तम जो था वो ख़ुद भी किल हो गया था। क्योंकि जब वो मैदान छोड़ के भागने लगा तो मुस्लिम्स ने देखा कि वो रुस्तम भाग रहे थे, तो मुस्लिम्स ने जो है उस पर अटैक करा और वो भी मतलब क्या कहते हैं उसे मर गया, मतलब डाइड हो गया हाँ। तो उसके बाद जो है मुस्लिम ने लाश बूटी कलेक्ट कर ली, मतलब कि 6,000 सोल्जर्स थे और जो कैप्चर कर लिए, प्रिजनर बना लिए थे जो, मतलब जब रुस्तम भागने लगा ना तो बाकी जो बचे हुए थे लोग थे उनके प्रिजनर बना लिया, और जितनी भी बूटी थी सब कलेक्ट कर ली। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।